मुल्ला मुल्ला बोला तो वो दानिश नहीं है, ऐसे चप्पल उतार के मुंह मुंह चप्पल लाल कर देगा। तो इसलिए भाजपा के विधायकों में डर है, तो अवेसी का डर भी भाजपा विधायकों में है। अवेसी साहब एक काबिल नेता है, बुद्धिमान नेता है, वो जो करेंगे सोच समझ से करेंगे, इतना हम भी जानते हैं। बैरिस्टर है भाई, पढ़े लिखे हैं, कोई आम आदमी नहीं है। जहाँ तक अवेसी साहब की बात है, उनको खुद राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए, मुसलमानों के हक के लिए इस अलायंस में जुड़ना चाहिए। नवीन देखी की गई है, एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है तेलंगाना सरकार में, एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। बड़ी किस तरह देख रहे हैं लगातार जो इसके इंडिया गठबंधन का मीटिंग हुआ, लेकिन कहा जा रहा है कि ओवैसी और बदरुद्दीन अजमल को छोड़ दिया है, क्या कहेंगे मुसलमानों को अनदेखी की जा रही है पंडित जी? तेलंगाना में अनदेखी की गई है, एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है तेलंगाना सरकार में, एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। और कहीं ना कहीं ये जो बीच के नेता दलाल हैं, ये कहीं ना कहीं मिलने नहीं दे रहे हैं। अब ऐसे साहब को भी कुछ स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा, और सच में अगर मोदी को हराना चाहते हैं तो उनको भी विपक्ष के नेताओं की बुराई और नेताओं पार्टियों की बुराई करना छोड़ना पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है, कहीं ना कहीं उचित सीट भी दी जाएगी उनको, उनको उचित सीट दी जाए, मुसलमानों की भी बात करी जाए। और अगर मुस्लिम लीडरशिप खड़ी हो रही है, अब मुसलमानों को ये लगता है कि सेकुलर में उसका काम, सेकुलर राजनीति में उसका काम नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब है कि चीज़ें गलत हैं। तो आपको लग रहा है कि अनदेखी की जा रही है उनको, क्योंकि उनको न्योता भी नहीं भेजा गया था इंडिया गठबंधन में आने के लिए? जो न्योता भेजा, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, अभी कुछ तकरारें हर पार्टियों के उसमें हैं। जहाँ तक अवेसी साहब की बात है, उनको खुद राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए, मुसलमानों के हक के लिए इस अलायंस में जुड़ना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर वो किसी पार्टी का विरोध करते हैं तो भाजपा को सीटों पे फायदा पहुंचा रहे हैं। इस वक्त इस देश में चुनाव रहने में 6 महीने हैं। अवेसी साहब एक काबिल नेता है, बुद्धिमान नेता है, वो जो करेंगे सोच समझ से करेंगे, इतना हम भी जानते हैं। बैरिस्टर है भाई, पढ़े लिखे हैं, कोई आम आदमी नहीं है। और मेरी महत्वपूर्ण बात एक ये भी है कि अवेसी साहब हो या कांग्रेस हो या बसपा हो या सपा हो, इन सबको अपना राजनीतिक स्वार्थ छोड़ के जनता के लिए एक साथ होना पड़ेगा। क्योंकि सामने जो ताना साहब बैठा है, ये तो एक ईवीएम से मजबूत, फिर पैसे से मजबूत, फिर पुलिस से मजबूत, और ईडी सीबीआई से मजबूत, तो इन सब पकड़ों, क्योंकि आज हमारे सांसद अगर मान लीजिए विपक्ष के सांसद कल हुए, खप्पर पार्टी के सांसद को हटा दिया जाएगा, तो ना आप बैठ पाओगे ना हम बैठ पाएंगे, इसलिए हमें एक होना पड़ेगा। नहीं, आप कह रहे पंडित जी, तमाम लोग कहते हैं कि मोदी के तरफ से मिले हुए ओवैसी, लेकिन ओवैसी तो सवाल कर रहे हैं कि इतने सांसदों को निलंबन किया गया है, तो फिर सदन का मतलब क्या हुआ? विपक्ष रहेगा नहीं तो देखिए मैं आज एक बात स्पष्ट कर दूं, जब वही चुनाव बसपा लड़ने जाती है हर क्षेत्रों में, वही चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ती है, वही चुनाव शिवसेना का उत्तर प्रदेश में क्या काम, तो वो बी पार्टी नहीं है भाजपा की, लेकिन सिर्फ अकेले अवेसी पार्टी पे, अवेसी जी की पार्टी पे ये आरोप लगते हैं। मैं संत बालयोगी महाराज इस पूरे आरोपों को खंडन करता हूँ, कोई भी और सी पार्टी नहीं है अवेसी साहब। अगर वो भी पार्टी है तो जितने भी नेता बाहर बाहर जाकर चुनाव लड़ते हैं, हाँ, लेकिन उन पे एक सवाल मेरा बहुत बन जाए जायज बनता है कि जहाँ से वहाँ खुद लड़ते हैं, वहाँ से 7 सीटों पे लड़ते हैं, और जहाँ पूरे देश में पूरी सीटों पे लड़ते हैं, तो अगर वो ये चीज़ों को ख़त्म करके एक बार पूरी सीटों पे चुनाव लड़े, तो मुझे पक्का वादा है कि अगला मुख्यमंत्री अवेसी परिवार से ही होगा। लेकिन तेलंगाना की अगर जैसे बात कर रहे हैं आप, संसद की देखे तो यहाँ संसद में हमला होता है तो तेलंगाना में मीटिंग बुलाई जाती है, अकबर ओवैसी बुलाते हैं मीटिंग, वहाँ रेवंत रेड्डी जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं वो दोनों मिल करके बुलाते हैं, वहाँ पे तो सब गठजोड़ एक हो रहा है ना? यही होना चाहिए, ये अच्छी पहल है। और कहीं ना कहीं ये पहल जो हमारे स्पीकर साहब ने कहा, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। मैं वही कह रहा हूँ, कोई भी सी पार्टी नहीं है, सभी पार्टियों को हर जगह चुनाव लड़ने का अधिकार है। अवेसी साहब पे यह उंगली तब उठाई जाती है जब उनसे कहा, भाई अपने क्षेत्रों में आप पूरा चुनाव लड़ो, मतलब सारी विपक्षी पार्टियों को ये उम्मीद है कि अगर तेलंगाना से अवेसी साहब लड़ते हैं तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, पहला मुख्यमंत्री इस देश को मिल सकता है मुस्लिम। लेकिन पंडित जी ओवैसी पे तमाम आरोप भी लगते हैं ना? देखिए, आरोप प्रत्यारोप राजनीति में चलते रहते हैं, वक्त का जवाब है, काम का जवाब है। मेरा मानना है आवाजें बहुत लगाने वाले हैं, पर आज सहिंसा की तरह स्पीकर बने बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं। भाजपा वाले मैं क्या बोलूं, पिछवाड़ा पीट रहे हैं कि मैं शपथ नहीं लूंगा, टी राजा को अब ऑन लेवल स्पीकर अभी करना पड़ेगा। अगर उसने कठमुल्ला मुल्ला बोला तो वो
दानिश नहीं है, ऐसे चप्पल उतार के मुंह मुंह चप्पल लाल कर देगा। तो इसलिए भाजपा के विधायकों में डर है, तो अब इसी का डर भी भाजपा विधायकों में है। अगर हम उनको शामिल करते हैं तो हमें फायदा होगा। हम इंडिया गठबंधन से और इसके साथ दोनों से अपील करेंगे, देश हित के लिए दोनों एक हो जाए। जिससे संसदों का निलंबन हो रहा है, क्या कहेंगे मोदी सरकार लगातार? देखिए, ये इसको कहते हैं गुंडागर्दी। कल अगर हमने हम अस्पताल के मालिक को हमारे यहाँ किसी की मौत हो जाए तो अगर आप सवाल करेंगे मैं आपको जेल भेज दूंगा। ये गुंडागर्दी है। और कहीं ना कहीं मोदी जी ने जो किया है वो ठीक भी किया है। पूछो क्यों? क्यों ठीक इसलिए भी किया है कि उन्होंने विपक्ष को मौका दे दिया 6 महीने पूरा कि तुम्हें संसद आना है, तुम्हें कहीं आना है, तुम जाओ जनता के बीच, हमारी जितनी भी जितना भी तुम काम कर सकते हो अब तुमको मैंने फ्री कर दिया। तो विपक्ष वालों के लिए बढ़िया मौका है, अब आप पूरा तरह फ्री हो, जनता जनता मिल लो, इनकी सारी विक्टिम खोल दो। और मैं एक बात कह दूं, अगर इस 6 महीने का सांसदों ने ये काम में उठा लिया, बिना सांसद रहे जनता के पास गए कि हमें निकाल दिया गया, मैं दावे से कहता हूँ 10-15 सीट नहीं, 5 सीटों में सिमट जाएगी भाजपा।